गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर सेकंड जिसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं साझेदारी। आज साझेदारी में देखेंगे साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के कितने प्रकार होते हैं? नंबर फर्स्ट देखिए, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार कौन होता है? एक सक्रिय साझेदार वह होता है जो फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है और प्रबंध संचालन में यानी व्यवसाय को चलाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ऐसा साझेदार सक्रिय साझेदार कहलाता है, जो पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, जिसके दायित्व असीमित होते हैं और जो व्यवसाय को चलाने में सक्रिय भूमिका अदा करता है, तो ऐसा साझेदार सक्रिय साझेदार कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि 10 साझेदार हैं, 10 में से मान लीजिए 3 साझेदार व्यवसाय को चलाते हैं, बाकी 7 केवल लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो ये जो 3 साझेदार हैं जो व्यवसाय को चला रहे हैं, ये सक्रिय साझेदार कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार से ठीक विपरीत निष्क्रिय साझेदार होता है। यह व्यवसाय में पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, इसके दायित्व तो भी सक्रिय की भांति असीमित होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्रिय साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेता है और निष्क्रिय साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेता है, और कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको बताया कि 10 साझेदार हैं, 3 व्यवसाय को चलाते हैं, तो वो तो कौन से हो गए? सक्रिय साझेदार। और बाकी जो 7 बच गए वो कौन से हैं? निष्क्रिय साझेदार। समझ गए बेटा दोनों? तीसरा देखिए, गुप्त साझेदार। ये ऐसा साझेदार होता है जिसके व्यवसाय से संबंधों के बारे में जनता को नहीं पता होता है। यह व्यवसाय में पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, इसके दायित्व भी असीमित होते हैं, लेकिन जनता को इसके बारे में यह पता नहीं होता है कि फर्म का साझेदार है। जैसे मैं हूं, मेरे पास में मान लीजिए 20 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने किसी फर्म में ले जाके 20 लाख रुपए लगा दिए और मैं केवल साल के अंत में कितना लाभ हुआ उसमें से मेरा हिस्सा दे दो, बस उस हिस्से तक मैं सीमित रहता हूं, तो मैं गुप्त साझेदार कहलाऊंगा। मेरे बारे में पब्लिक को यह पता नहीं है कि मैं फर्म का साझेदार हूं। अगला देखिए, नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार ये ऐसा साझेदार होता है फर्म जिसके केवल नाम का प्रयोग करती है, केवल नाम का प्रयोग करती है। यह साझेदार न तो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, न लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, न प्रबंध संचालन में भाग लेता है। यह साझेदार केवल अपने नाम को फर्म में उपयोग करने देता है और इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फर्म के ऋणों के लिए ऐसा साझेदार उत्तरदायी होता है। अगर फर्म पर कोई ऋण भार हो जाता है तो अन्य साझेदारों की तरह यह भी उत्तरदायी होगा। अब नाम मात्र का साझेदार क्यों बनता है? जो प्रसिद्ध हस्तियां होती हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अगर जयपुर में कोई फर्म अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है और वो अमिताभ बच्चन से स्वीकृति लेकर उसके नाम का उपयोग करती है, तो लोग क्या सोचेंगे? ये फर्म किसकी है? अमिताभ बच्चन की है, और उसमें ग्राहक अपने आप ही ज्यादा संख्या में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये होता है नाम मात्र का साझेदार।
जो न तो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, न लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, लेकिन न प्रबंध संचालन में भाग लेता है, लेकिन फर्म पर ऋण भार होने की स्थिति में वो उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसका फर्म में नाम चल रहा है। अगला देखिए, विबंधन साझेदार। विबंधन साझेदार ये इसको आप कह सकते हैं प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ये एक ऐसा साझेदार होता है जो वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं होता है। ये तो साझेदार होते हैं फर्म चार, ये कैसा साझेदार होता है जो वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं होता है, लेकिन अपने प्रदर्शन से, अपने आचरण से दूसरों के सामने ऐसा प्रदर्शित करता है कि वो भी फर्म का साझेदार है। तो ऐसी स्थिति में वो ऋण के प्रति उत्तरदायी रहेगा। मान लीजिए मैं किसी दुकान पर जाकर रोजाना बैठता हूं, तो लोग क्या समझेंगे कि मैं भी इसका पार्टनर हूं। लोगों को नहीं पता कि मैं पार्टनर हूं और वास्तव में नहीं हूं, केवल दुकान पर जाकर बैठता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, कभी उनको प्रेरित भी कर देता हूं, तो लोग ये समझेंगे कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन वास्तव में मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूं। तो देखिए, कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वो अपनी पहल, आचरण और व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह फर्म का साझेदार है, लेकिन वास्तव में वो फर्म का साझेदार नहीं होता है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि में वो साझेदार है, क्योंकि वो ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि मैं साझेदार हूं। भले ही वो पूंजी नहीं लगाता है और न ही प्रबंध संचालन में भाग लेता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, सीमा के एक मित्र है रानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म में सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। रीना सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेने जाती है तथा एक सौदे को तय करने में कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाती है। कोई सौदे को तय करने में, उस कार्यवाही में वो सक्रिय भूमिका निभाती है। रानी ऐसा आभास दिलाती है, यानी ऐसा प्रदर्शन करती है कि मानो वो सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एक साझेदार है। यदि इस बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है, तो रानी भी इस देनदारी को चुकाने के लिए ठीक उसी प्रकार बाध्य होगी जिस प्रकार सीमा है। हालांकि रानी साझेदार नहीं है, लेकिन उसने उस सौदे को तय करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जब सक्रिय भूमिका निभाई है, तो अगली पार्टी क्या समझेगी कि यह फर्म की साझेदार है। अगर इस आधार पर कोई दूसरी फर्म उसको लोन देती है और पहली पार्टी लोन को नहीं चुका पाती है, तो सक्रिय साझेदार जो जिसने भूमिका निभाई थी, जबकि फर्म की साझेदार नहीं है, तो उसको भी ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अगला देखिए, प्रतिनिधि साझेदार। प्रतिनिधि साझेदार यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम को प्रयोग करने देता है। उसे पता है कि फर्म उसके नाम का प्रयोग कर रही है, लेकिन जानबूझकर अपने नाम का प्रयोग उस फर्म को करने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति हर उस ऋण को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उसने अपने आप को फर्म का प्रतिनिधि बताकर
यह एहसास हो करके अगर कोई ऋण लिया है तो उस ऋण को चुकाने के लिए वो पार्टनर उत्तरदायी होगा। यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है और इस उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है तो तुरंत उसे यह घोषित करना होगा कि वो फर्म का पार्टनर नहीं है। अगर उसको उस जिम्मेदारी से बचना है तो घोषित करना होगा कि वो फर्म का पार्टनर नहीं है। तो यह हुआ बेटा साझेदारों के प्रकार। और अब देखिए साझेदारी के प्रकार। छह प्रकार हो गए साझेदारों के। अब देखते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो नंबर ए देखिए पहले, अवधि के आधार। अवधि के आधार पर नंबर वन ऐच्छिक साझेदारी। अवधि के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की है, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी की रचना यानी इसका निर्माण साझेदारों की इच्छा से होता है, इसलिए इसको ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। यह उस समय तक चलती रहती है जब तक साझेदार चाहते हैं। जब भी साझेदार नहीं चाहेंगे इसको समाप्त कर देंगे। यह उस समय तक चलती रहती है जब तक कि अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाता। किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर यह समाप्त हो जाती है। यह इच्छा पर निर्भर करती है। कोई भी साझेदार जब भी फर्म से अलग होने का नोटिस दे देगा तो यह साझेदारी समाप्त हो जाएगी। दूसरा देखिए विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी, इस साझेदारी की रचना कोई विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे किसी पुल का निर्माण करना, किसी सड़क का निर्माण करना, किसी बांध का निर्माण करना, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना, तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये साझेदारी चलती रहती है। जैसे ही कार्य पूरा होता है साझेदारी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कार्य पूरा होते ही पुल का निर्माण करना है, पुल का निर्माण पूरा हो गया, साझेदारी समाप्त। अलग से नोटिस देने की या समाप्त करने की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साझेदारी की रचना किसी विशिष्ट परियोजना जैसे किसी भवन के निर्माण या कोई कार्य या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तो इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी की रचना की गई है उसके पूरा होने पर अथवा अवधि के समाप्त होने पर यह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इसकी रचना किसी विशिष्ट कार्य के लिए, उसको पूरा करने के लिए या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। अगर विशिष्ट कार्य पूरा हो जाता है तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और अगर अवधि पूरी हो जाती है, मान लीजिए 2 साल के लिए साझेदारी गठित की गई है, 2 साल पूरे हो गए तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। अवधि के आधार पर हमने आज देखा है, कल की क्लास में देखेंगे हम देयता के आधार पर साझेदारी का वर्गीकरण और चर्चा करेंगे साझेदारी संलेख के बारे में। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।